The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आंख ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे 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 आज अपने आप हिलती है। तो अगर किसी की आपकी कभी आप देखते हैं, सोचना चाहते हैं क्यों हिलती है ऐसी, इसको बोलते हैं निस्टैग्मस। तो क्यों हिलती है उसको समझाएंगे सिंपल भाषा में, लेकिन जो नॉलेज होगी वो ऑथेंटिक होगी, वेरीफाइड होगी, सारी दुनिया भर के मेडिकल साइंस वाले इसे मानते होंगे, राइट? अपने मन से कुछ नहीं बोलते इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल की हर वीडियो आपको ऑथेंटिक मिलेगी। बात करते हैं आंख के इनवॉलंटरी मूवमेंट की, और कई बार एक ही आंख मूव होती है, ठीक है? सो एक ही आंख मूव करती है साइड टू साइड, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस भी होता है, अप डाउन, इसको निस्टैग्मस बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में। अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट, साइड टू साइड हिले तो हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, ऊपर नीचे हिले तो वर्टिकल निस्टैग्मस, रोटेशनल निस्टैग्मस भी होता है। और इसके रीजन पे डिपेंड करता है कि एक ही आंख हिलेगी कि दोनों हिलेगी, और ये कई बार आपके कोऑर्डिनेशन चक्कर आना, आपके बैलेंस पे भी अफेक्ट कर सकता है। इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट है ये क्यों होता है, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर कंट्रोल होता है आपकी आंख के मसल्स का। आंख के अंदर बाई राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मसल्स होती हैं जो आंख को हिलाती हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी मसल्स को ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन का वो हिस्सा जो आई के मूवमेंट कंट्रोल करता है, अगर वहां पर कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाती है तब ये निस्टैग्मस होता है। तो निस्टैग्मस इस दिक्कत से होगा। अब पार्ट ऑफ द इनर आई, एक इनर आई के अंदर एक आई और ईयर के अंदर, ईयर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं लेब्रिंथ, इनर लेब्रिंथ। ये भी आपके आंख के और शरीर के कंट्रोल में हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है आपकी आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो आंख और इनर ईयर कंट्रोल करता है, और बैलेंस के लिए आपका ब्रेन उनको हेल्प करता है। तो निस्टैग्मस जब होता है तो इसमें जैसे बताया साइड साइड ऊपर नीचे घूम सकता है, वैसे ही दो अलग फॉर्म के निस्टैग्मस, एक बचपन से हो सकता है जिसको हम इन्फेंटाइल निस्टैग्मस सिंड्रोम कंजेनाइटल, और दूसरा जिंदगी में अपने किसी बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से एक्वायर्ड हो सकता है। ऐसे केस में जो बचपन से होता है यूजुअली बहुत माइल्ड होता है और अपने आप बढ़ेगा नहीं, और किसी और बीमारी से लेना देना नहीं होगा। जिनको ये कंडीशन होती है कई बार उनको पता भी नहीं होता, दूसरे बताते हैं भाई हाँ तुमको थोड़ा बहुत लग रहा है। और ऐसे में अगर कोई मूवमेंट ज्यादा होती है तब, अगर तब उनका जो विजन है वो गड़बड़ा सकता है, ऐसे में फिर उनको ऑपरेशन की, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। किसी कंजेनाइटल बचपन की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और ऐसे केस में आपको आई वाले डॉक्टर बताएंगे चेक करके कि भाई ये बीमारी आपकी कंजेनाइटल लग रही है, ऑपरेशन करने लायक है या नहीं ज्यादा। और अगर हम बात करें जीवन में अक्वायर करी, कि जिंदगी में आपके बीच पहले आंख ठीक थी अब प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी प्रॉब्लम आंख में या ब्रेन में कुछ दवा या इंजरी या बीमारी की वजह से होगी। किस तरह की दवा? फिनेटोइन नाम की एक दौरे पड़ने की दवा आती है, या बहुत ही ज्यादा दारू पीने से होता है, या बेहोशी की दवा के वजह से हो सकता है, जिसके वजह से आपके लेब्रिंथ में, आपके इनर ईयर जो ब्रेन के अंदर इश्यूज हैं, कान के अंदर इश्यूज हैं, वहां पे इश्यू आ सकता है। अगर आपको सर पे चोट लग जाए किसी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या किसी वेक रोड साइड एक्सीडेंट में, या आपके इनर ईयर के लेब्रिंथ में दिक्कत आ जाए, दिमाग में क्लॉट आ जाए, बहुत ही ज़्यादा थायामिन या B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नसें खराब होने की बीमारियां हो, ऐसे कोई बीमारी मर आपका जिंदगी में अचानक से निस्टैग्मस आने का रिस्क होता है, अगर वो आँख या आँख के कंट्रोल करने वाले एरिया को अफेक्ट करेगा। अगर आपको निस्टैग्मस है तो फिर आपको चक्कर आ सकता है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे केस में आप डॉक्टर से बात करें, और ऐसे पेशेंट को अकेला ना रखें, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। डॉक्टर अच्छे से उनका एग्जामिन करके आपको बता पाएगा कि भाई क्यों हुआ है, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा बहुत गॉगल्स और कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस हेल्प कर सकती हैं, और एग्जामिनेशन करने के लिए आपकी आंख को डायलेट किया जा सकता है देखने के लिए। अब निस्टैग्मस को चेक करने के लिए आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि 30 सेकंड के लिए गोल घुमाएंगे, ठीक है, और आपके उसके बाद में रुक जाएंगे, ठीक है, और 30 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे करके एक जगह रुक जाएंगे और एक जगह फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो रुक जाएंगे पर आपकी आंख हिलती जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। सो योर आई विल फर्स्ट मूव ऐसे ऐसे, तो वो दिक्कत जो है निस्टैग्मस बता देगी। इसके अलावा और
कारण ढूंढने के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे, सीटी स्कैन ऑफ द हेड, कहीं ब्रेन में कोई ब्लीडिंग क्लॉट तो नहीं है। इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी नाम का टेस्ट होता है जिससे मेजर करते हैं कि आंख की मूवमेंट कैसी हो रही है, सही से हो रही है। ब्रेन का MRI किया जा सकता है। वेस्टिबुलर टेस्टिंग होती है आई मूवमेंट की जिससे रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है निस्टैग्मस का अगर वो बचपन से है। अगर एक्वायर्ड निस्टैग्मस है तो उसका कारण ढूंढ के उसे हटाना होगा। दारू पीने की वजह से दारू बंद, दवाई की वजह से दवाई बंद, कोई इंजरी है क्लॉट हटाओ, समझ रहे हैं, जो बीमारी है बीमारी मैनेज करो, तब निस्टैग्मस हटेगा। आंख हिलने बंद करने की कोई दवा नहीं आती। कुछ प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कुछ सर्जरीज हैं, कुछ प्रिजम्स हैं, कुछ जैसे सर्जरी टीनोटॉमी, कुछ ड्रग थेरेपीज होती हैं जो ट्राई की जा सकती हैं, मगर 100% क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है अभी। सो याद रखें, अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके केस में क्या मदद कर सकता है। और निस्टैग्मस में आँख हिलती है, इनवॉलेंट्री होती है, रैपिड मूवमेंट्स हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। अगर किसी को दिखते हैं कोई आपको, तो इसको शेयर करें। ऐसी बातें जनरल पब्लिक में शेयर होनी चाहिए, शायद किसी एक इंसान को दिख जाए और काम आ जाए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।